सतना से लाए गए कोरोना पेशेंट की बीते दिवस मौत हो गई। रीवा का यह पहला मामला था जब कोरोना से पीड़ित मरीज की मौत हुई थी, जिसका आज अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट बंदरिया भेजा गया। पर यहां पहला अंतिम संस्कार था जिसे नगर निगम कर्मचारी आनंद थानम में दूर से ही मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इस बात की सूचना जब मीडिया कर्मियों को हुई तो स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे, तब पता चला कि कोरोना मरीज का आधा शरीर जला हुआ है, वह आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है। यही नहीं, पूरे शमशान घाट में मरीज व उनके लाने वाले के कपड़े पीपी किट इधर उधर उड़ रहे हैं। यकीनन यह एक घोर लापरवाही प्रशासन को देखने को मिली है। आपको बता दें कि उस समय एक दूसरे को अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया था, जिसमें काफ़ी आक्रोश देखा गया कि इतने गंभीर मर्ज के लावार लाश को आग के हवाले करके प्रशासन छोड़ दिया। राग स्पेश न्यूज़ के लिए रीवा मध्य प्रदेश से की खास रिपोर्ट। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह कराया गया है, क्योंकि उनके जो संबंधित जन थे वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए नगर निगम ने उनका सुबह अंतिम संस्कार कराया। सारी व्यवस्था नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर की है, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और सक्सेसफुली। मैडम ये है कि उनको दफनाना ज़्यादा जरूरी था, उनको अंतिम संस्कार करना या फिर उनकी चलाना? नहीं नहीं, ये डेड बॉडी से नहीं फैलता है और इसके लिए हमने जैसे अगर मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं और अगर हिंदू है तो उसको जलाते हैं। मैडम इस सारे लोगों का आरोप है कि उनको तीन डाल कर आग लगा दी गई और सब भाग गए वहाँ से। हम अभी वहाँ से फोटो भी बना के लाए हैं, पीपी की किट वहीं पड़ी हुई है, वो नहीं है हवा में और उनको कोई देखने वाला नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्रक्रिया के तहत ही हुआ, मैंने खुद जायजा लिया और पीपी किट अगर वहाँ पड़ी है तो उनको हटाया जाएगा और अच्छे से ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जलाया जाएगा, कुछ गलत प्रक्रिया अपनाई। ये कोरोना वाली, इसमें दो तीन तीन लोग आए थे और एक पुलिस वाले आए थे। बॉडी किस तरह मतलब जल्दी जल्दी रखे हैं और रखने के बाद ना तो उसमें मतलब कोई चीज़ का वो किया गया कि मतलब कायदे से जलाया जाए। केरोसिन डाले हैं बॉडी के ऊपर, मतलब उसको जमा के और ऐसे तुरंत लगाए हैं आगे। और देखिए आप देखेंगे उसके दाएँ बाएँ तरफ जो पहने हुए रहते हैं कपड़ा, वो जो किट पहने रहते हैं, पूरी तरह से अपना किट भी नहीं जला है, दाएं बाएं फेंक के चले गए हैं, इसे तुरंत ही चले गए हैं। कई बॉडी नहीं जल पाई है ना, पूरी तरह से बॉडी भी नहीं जल पाई। देखिए ना आप, उसका पैर भी दिख रहा है, उधर हाथ भी दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से। और फिर कोई चीज़ का भी है, अगर आप जलाते हो तो उसका प्रशासन को चाहिए कि एक व्यक्ति या फिर उसके पास आस पास सैनिटाइज करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और तुरंत बॉडी वॉडी ऐसे आनंद फन में जलाया, तुरंत निकल लिए। हमारे परिवार में एक जन की गमी हो गई है तो उन्हीं में सम्मिलित होने सभी को। अभी परेशानी तो कुछ नहीं है, सब चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है।